एवरीवन, आज बात करूंगी आपके संग चार नंबर की। पीपल हु आर बोर्न ऑन 4th, 13th, 22nd और 31st ऑफ एनी मंथ। चार नंबर जैसे ही आता है हम सब डर जाते हैं। सुनने में आता है कि वो राहु शुरू हो गया, यानी कि खतरे की घंटी शुरू हो गई। अलर्ट, नो, ऐसा जैसा कुछ नहीं है। प्लीज डोंट गेट स्केयर्ड। चार नंबर और आठ नंबर के संग ये बहुत कॉमन है, लोगों का परसेप्शन है, मिथ है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इनको सक्सेस नहीं मिलती है, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कम्पेयर टू दी अदर नंबर्स। बट हर नंबर के अपने एक चैलेंज होता है, हर नंबर का ऐसे अपना एक स्ट्रेंथ भी होती है। तो चार नंबर की आज बात करने जा रही हूँ। माई नेम इज निधि चुग, आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड साइंटिफिक लोगो डिजाइनर। चार नंबर क्या है एक्चुअली में? जो चार नंबर के लोग होते हैं, आप देखेंगे चार नंबर सिर्फ हमारे हेड के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी हिज केतु। ऐसे लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवरथिंकिंग इनकी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सोचेंगे, इनको नए आइडियाज आएंगे, इसीलिए कहा जाता है कि इनको हमेशा रिसर्च में होना चाहिए। किसी भी तरीके का जो कोई भी रिसर्च फील्ड जो होगा वो इनके लिए बहुत अच्छा माना गया है। दे विल डू एक्सेप्शनली वेल जहां पे भी रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि वो सोच रहे हैं, सिर्फ सोचना ही उनका पार्ट है। अब इस वजह से होता क्या है, क्योंकि ओवर थिंकिंग होती है तो ये लोग कहीं ना कहीं रेस्टलेस भी हो जाते हैं। एंजाइटी, हाइपर टेंशन इनके लिए कॉमन है। नोटिस करेंगे आप कि इनको स्लीपिंग डिसऑर्डर, सोने की प्रॉब्लम इनको रहती है। डिसिप्लिन बहुत होते हैं। अगर इनका राहु अच्छा चल रहा होगा तो आप देखेंगे हर चीज बहुत ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होंगी। एंड एट द सेम टाइम इनके संग थोड़ा सा एक वो भी होता है कि ये लोग जो है बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स एक्चुअली रखते हैं, राइट? उस वजह से जब वो फुलफिल नहीं होती तो इनको इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है और ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। बट चार नंबर के लोग सबसे अच्छे मैनिपुलेटर्स भी होते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनका दिमाग चल रहा है, उन्हें पता है मुझे किस तरीके से काम करना है। इसीलिए इन्हें पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत अच्छा नंबर माना गया है। टेक्निकल फील्ड में ये बहुत अच्छा नंबर माना गया है। आपके घर में अगर आप नोटिस करेंगे कोई भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड नहीं चल रही हैं, खराब हो रही हैं, तो इसका मतलब आपका राहु कहीं ना कहीं खराब है। वो आपको इल इफेक्ट देगा, घर में बीमारी होगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आप जॉब चेंज करना चाहेंगे, कंफ्यूजन बढ़ेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या ठीक है क्या नहीं इन द करेंट टाइम। तो अपने राहु को चेक करें। इजी तरीका मैंने आपको बताया कि आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बार बार खराब हो रही हैं, अचानक से जल्दी जल्दी अच्छी भरी थी खराब हो गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राहु का दोष है। सेकेंड हम देखते हैं कि कोई भी लोहे का सामान अगर आपके घर में अगर लोहे का सामान आपके घर में जंक लगा रहा है, रस्ट उसके ऊपर आ रही है, तो प्लीज उसे ठीक कराएं, उस पर पेंट करें, जो भी करें, उन चीजों के ऊपर रस्ट ना लगने दें। वो भी एक खराब राहु की दशा को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसको मैं मानती हूं कि घर में रात को बर्तन सिंक में झूठे बर्तन प्लीज ना रखें। जिनके घर में झूठे बर्तन सिंक में रहते हैं उनके घर में बीमारियां, झगड़े, रिलेशनशिप इश्यूज, आर्ग्यूमेंट्स अननेसेसरी वाले बहुत होते हैं। मतलब आपको कोई रीजन नहीं चाहिए कोई भी चीज के आर्ग्यूमेंट के लिए, अपने आप ही निकल आएगा। तो रात को हमेशा सिंक को बर्तन साफ करके खाली करके सोएं, जिससे कि आप देखेंगे कि आपके घर में ऑटोमेटिकली जैसे ही अभी करना शुरू कर देंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और आपकी चीजें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। थर्ड होता है राहु, जब भी आता है तो हम कहते हैं इसका स्टोन कौन सा है, गोमेद, हैंसोनाइट, आप इसको पहन सकते हैं। दो मैं स्टोन्स के फेवर में नहीं होती बहुत ज्यादा, क्योंकि वो सबको सब तरीके का सूट नहीं करता, जनरलाइज नहीं होता, बट हाँ राहु का स्टोन ये हम मान के चलते हैं। सेकेंड आपने देखना है कोई भी काला कलर रिप्रेजेंट, मतलब काला जब भी आप पहन रहे हैं तो प्लीज ना पहने। काला कलर बहुत ज्यादा स्पेशली ऑन स्पेशल ओकेजन्स, कोई इंटरव्यू पे जाना है, कोई डील साइन करने जाना है, किसी अच्छे ऑस्पिशियस काम के लिए जाना है, तो प्लीज ब्लैक कलर को अवॉइड करें।
ब्लैक इज अ कलर जो सबसे ज्यादा आई विल से राहु के टाइम पे आपको अट्रैक्ट करेगा, आपका मन करेगा कि मैं पहन लूं, पर उसको आपने अवॉइड करना है कॉन्शियसली. ओके, आप लाइट ब्लू, येलो, ब्लू, व्हाइट ऐसे कलर्स पहने, लाइट ग्रे, ये सारे कलर्स जो है आपके लिए फेवरेबल रहेंगे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. सो छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको चेंज करके आप देखें, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम रिलेशनशिप या हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो इन्हें यूज करके देखें और फिर फीडबैक शेयर करें. थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ.